हेलो, मैं हूँ माधुरी सावत और ये है मेरा छोटा सा बाग। इसको हम किचन गार्डन भी बोल सकते हैं, जिधर मैं घर की ज़रूरत के हिसाब से सारे चीज़ रखा है, जैसे वेजिटेबल, पत्ता भाजी, मसाला और फ्रूट्स और बनाना और कोकोनट, सब में से थोड़ा थोड़ा है। ये मेरा अमरूद का पेड़, ये बनाना, कोकोनट, ये पपाया, और पूरा बाउंड्री में मैं ये बनाना का लगाया है पौधा, और बीच में है भिंडी, बैंगन, नेनुआ, चावली और गेंदे का फूल, और ये है ककड़ी। और अभी हो रहा है बारिश, बारिश का समय, बहुत अच्छा है नज़ारा। और ये है मेरा सहजन, और ये मेरा गेंदे का फूल, ये बेबी बनाना प्लांट, ये है मेरा सहजन, और इधर है करेला, करेले का छोटा छोटा फ्रूट भी आया है, और ये है ककड़ी, और ये नेनुआ जो मैं बीज के लिए रखा है, और भी छोटा छोटा है इसमें, और ये है गवार, गवार का कितना बड़ा बड़ा झाड़, और ये है मेरा नेनुआ का पौधा जो कि पूरा 1 साल का हो गया। कितना बड़ा है उसका जड़, मतलब पूरा 1 साल हो गया ये नेनुआ का पौधे को, लेकिन बीच में से नहीं आ रहा था फल, अभी आ रहा है, 2-3 महीने से आ रहा है, लगातार आ रहा है। और इधर में मेरा किचन गार्डन में लगा है सब कुछ लगा है, थोड़ा 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 करके। ये है बैंगन काला वाला, इसमें है एक बैंगन, इधर है, और ये चावली, सहजन, मिर्ची, ये पूरा मिर्ची का है, और नारियल, इसको आच्छादन करने के लिए मैं इधर पराली रखा हुआ है, और ये सब है खरपतवार, इतना सारा, एक बारिश हुआ नहीं कि इतना सारा खरपतवार, इसको मैं हटाया है लेकिन अभी निकाला नहीं है, निकाल के साइड में रख देंगे आच्छादन के लिए, और इधर कुछ नया बीज लगाएंगे। और ये मेरा भिंडी जो कि कुछ बीमारी हो गया लगता है, ख़राब हो गया, मैं इसमें से भिंडी नहीं ले रही हूँ, ऐसे ही छोड़ दिया है, और पूरा जंगल जैसा हो गया, नीचे सांप भी है, देखा था मैं एक बार, इसके लिए इसके अंदर मैं नहीं जाती। और इधर से थोड़ा थोड़ा भिंडी निकलता है मेरा, हो जाता है। ये देखिए, ये गवार का झाड़ जो मुझसे भी बड़ा है, और ये है मेरा पूरा 1 साल का हो गया मिर्ची का पौधा, और इधर लगाया है कद्दू जो भिंडी के बीच में चला गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, करेला भी है नीचे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भिंडी के वजह से। और इधर एक अमरूद का पौधा भी है, वो भी छुप गया है, छुपम छुपाई खेल रहे हैं। ये भिंडी का पौधे को मैं कटिंग कर दिया है, अच्छा फूल नहीं आ रहा था, हो गया बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 6-7 महीना हो गया इसको भी, तो कटिंग कर दिया है, अभी अच्छा फ्रूट आएगा। और ये गवार का ऐसे पार्ट पार्ट करके अलग अलग लगाए, देखो कितना जंगल है, इसका खरपतवार नहीं हटाया तो इतना जंगल हो गया, जंगल जैसा, डर लगता है आने के लिए। और इधर है, इधर एक मेरा ये आया था
कद्दू का फूल देखा था मैं सुबह। ये है एक प्लांट, क्या बोलते उसको, नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन आंवले का जैसा होता है इसका फल, फ्रूट आइटम में जाता है ये लगता है। और इधर भी है मेरा नेनुआ, देखो कितना बड़ा बड़ा है, बहुत अच्छा फ्रूट आया है। और इधर भी है एक कद्दू का पेड़, पेड़ नहीं तो क्या बोलते हैं, झाड़, झाड़ भी नहीं, कद्दू बस। और ये भी एक है, तो इधर है मेरा सीताफल, और इधर है आंवला। ये है मेरा पूरा गार्डन। इधर है मेरा बैंगन, और ये मक्का, स्वीट कॉर्न, सबका थोड़ा थोड़ा लगा है। कुछ प्रोडक्शन चालू है, कुछ का नहीं हो रहा है। ये मेरा बाग जो है पूरा 1 साल का हो गया, लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, क्या है, पूरा 1 साल से मेहनत कर रही हूँ, एकदम ये घनजीवामृत इधर बनाया है, गड्ढा करके इधर गोबर डाला है और उसके ऊपर जीवामृत, इसको बना के थोड़ा थोड़ा डाल के पूरा 1 साल हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल निकल रहा है, नहीं तो पहले कुछ भी वेजिटेबल नहीं निकल रहा था। ये जो मेरा है पूरा नेचुरल फार्म है, नेचुरल के जैसा फ्रूट आएगा, मतलब कुछ केमिकल, पेस्टिसाइड, DAP कुछ भी नहीं देना है इसमें, सिर्फ गोबर का खाद, जीवामृत, घन जीवामृत। और अभी तो थोड़ा 1 साल में अच्छा आ रहा है, देखते हैं। और इधर मेरा फ्लावर भी है, और 1 साल तक पूरा मेरा बाग ना रेडी हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, मिट्टी सोना उगलता है, वैसे सोना उगलेगा। अभी थोड़ा थोड़ा निकलता है, और मैं ज़्यादा कुछ लगाया भी नहीं, आगे देखती हूँ और कुछ वैरायटी मिलेगा तो लगाऊंगी। और बीच बीच में मेरा कितने सारा पौधा मर भी गया। और ये मेरा फ्लावर का प्लांट। तो कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा किचन गार्डन? अच्छा लगेगा तो कुछ कमेंट में लिख देना, बुरा लगेगा तो वो भी लिख देना, और कुछ सजेशन देना है तो वो भी लिख देना, ठीक है। और आगे का वीडियो मैं बनाती रहूँगी, अभी तो काम चालू है, काम ख़त्म नहीं हुआ है खरपतवार निकालने का, फिर कुछ लगा दूँगी और उसका भी वीडियो बनाऊँगी मैं आगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को पता चले हम जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, और इसका नतीजा क्या होता है। और आजकल जो भी मिलता है ना बाज़ार में, सब कुछ केमिकल और